बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर बीजापुर से आ रही है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने दो नक्सलियों को ढेर कर दिया है। जप्पे मरका और कमका नार के जंगलों में मुठभेड़ की खबर है। मौके से हथियार, वायरलेस सेट और बाकी सामान बरामद किया गया है। मिरतुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है और सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर बीजापुर से आ रही है, जहां सुरक्षा बलों में और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने दो नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इस हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो इसी हफ्ते 10 नक्सली अब तक मारे जा चुके हैं। हाल ही में दंतेवाड़ा में मुठभेड़ हुई थी, उसमें 8 नक्सलियों के शव बरामद हुए थे और अब उस मामले में 8 नक्सलियों के साथ अब बीजापुर में हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। पंकज भदौरिया इस वक्त इस बड़ी खबर पर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या खबर? देखिए, बीजापुर जिले में आज दो बड़ी सफलताएं मिली हैं। एक सफलता तो ये मिली है कि बीजापुर जिले में आज 33 माओवादियों ने इसका सरेंडर किया है को भी जवानों ने मार गिराया है। ये जो मुठभेड़ है बीजापुर के मिरतुर इलाके में हुई है, कमकानार और मरकानार के जंगलों में मुठभेड़ बताई जा रही है, जहां पर सवेरे से इनकाउंटर चल रहा था, जिसमें 2 नक्सलियों को मार करके उनके शव भी प्राप्त कर लिए गए हैं, साथ में हथियार भी बरामद हुए हैं। जी, इनकी शिनाख्त हुई है, कौन थे ये नक्सली जिनको मुठभेड़ मार गिराया गया? हाल में ही इस मुठभेड़ की पुष्टि एचपी जितेंद्र यादव ने की है और अभी तक 100 लेकर के जवान नहीं पहुंचे हैं। जब तक 100 लेकर के डीआरजी की टीमें नहीं पहुंचेंगी तब तक उनकी शिनाख्ती के बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। वहीं कल भी एक बड़ी मुठभेड़ हुई थी, जहां पर बीजापुर नारायणपुर और दंतेवाड़ा से एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था, जिसे जल शक्ति का नाम दिया गया था, जिसमें 8 नक्सलियों को मार गिराया गया था, जिनमें से 4 की शिनाख्त हुई है और 4 की शिनाख्त बाकी है। इस तरीके से देखा जाए तो बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। इस समय 2 ही दिन के अंदर में 10 नक्सलियों को इनकाउंटर में मार गिराया गया, वहीं पर 33 से ज्यादा माओवादियों ने आज सरेंडर भी किया है। जी, पंकज आप बने रहे हमारे साथ, तो ये बड़ी खबर बीजापुर से हम आपको बता रहे हैं।